ग्रेटर नोएडा में शराब सेल्समैन से बीते दिनों 2.5 लाख की लूट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। शुक्रवार देर रात ये मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 अन्य साथियों को पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ADCP हृदेश कठेरिया ने बताया कि 13 दिन पहले साकीपुर गांव में सेल्समैन की रेकी कर बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए लूट लिए थे। इन गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने 78,000 नकद बरामद किए गए हैं। आरोपी नितिन उर्फ मोगली द्वारा सेल्समैन की रेकी की गई थी और हीरा उर्फ छोटे फरमान और पंकज बैसला उर्फ बादशाह ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पंकज बैसला उर्फ बादशाह अभी वांछित है, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अंतर्गत आज दिनांक 16 अगस्त को सूरजपुर थाना पुलिस टीम के द्वारा जैतपुर गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब इनको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षात्मक जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम हीरा बताया, जो गाजियाबाद का रहने वाला है। इसके साथ ही इसके 2 अन्य साथी नितिन और फरमान की भी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपने एक अन्य साथी के साथ 3 अगस्त को सूरतपुर थाना क्षेत्र में साकीपुर में एक शराब के सेल्समैन से 2.5 लाख रुपए की लूट करना स्वीकार किया है। इनके पास से लूटे गए 78,000 रुपए बरामद हुए हैं। घटना में उपयुक्त मोटरसाइकिल व एक एक अवैध तमंचा व कार्टेज बरामद हुआ है। अनविवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। फिलहाल इन बदमाशों के पास से पुलिस ने लूटी हुई रकम में से 78,000 नकद बरामद की है। इसके साथ ही अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।